में आ जाता है। पहला होता है फेयरनेस। फेयरनेस क्या होता है? लैक ऑफ फेवरेटिज्म फॉर वन साइड और अनादर। दूसरा होता है हमारा रूशनेस। रूशनेस क्या होता है? परफॉर्म विदाउट फेल्योर अंडर दी वाइड रेंज ऑफ कंडीशन। तीसरा होता है प्राइवेसी। प्राइवेसी मतलब इंश्योर सिक्योर यूज ऑफ पर्सनल डेटा एंड जीरो इंट्रूजन। और अगला होता है हमारा एक्सप्लेनेबिलिटी। एक्सप्लेनेबिलिटी मतलब होता है टू एक्सप्लेन प्रेजेंट इन अंडरस्टेबल टर्म। यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली का निर्माण है इस तरीके से होना चाहिए कि वे सभी के लिए निष्पक्ष एवं समावेशी हो। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के AI मॉडल का निष्पक्ष उपयोग हो। अनुचित मॉडल के कारण अनुचित परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर चेहरा पहचान करने के लिए मौजूद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अपराधी के रूप में पहचान सकता है तो इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा और उस व्यक्ति के खिलाफ झूठे आपराधिक आरोप भी लगेंगे। और अनुचित मॉडल लोगों को गलत तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसलिए यह कानूनी दायित्व बन जाता है कि पक्षपाती जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली के परिणाम हैं बड़े पैमाने पर एक अन्याय का कारण बन जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है सभी प्रकार के हमलों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, जिससे कई तो प्रतिकूल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधियां हैं उस पर आधारित होते हैं। और इन विधियों के तहत प्रतिकूल परिस्थितियों में संभावित लाभ के बजाय क्या होता है, विरोधी मशीनों के लर्निंग के माध्यम से लिए गए निर्णय और कुछ डेटा के हेरफेर से हमलावरों से जुड़े वांछित परिणाम प्राप्त करके AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है इसका प्रयोग करते हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को संवेदनशील डेटा का उपयोग करके बनाया जाता है तो हमें उसका उपयोग करने से पहले उसकी गोपनीयता पर प्रभावों से संबंधित विचार कर लेना चाहिए। उसके कानूनी और जो नियामक आवश्यकताएं हैं उन पर विचार कर लेना चाहिए। सामाजिक मानदंड और व्यक्तिगत अपेक्षाओं का भी पालन किया जाना चाहिए। उपयोग किए गए संवेदनशील डेटा को यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के द्वारा याद किया जा सकता है या उजागर किया जा सकता है तो डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाने चाहिए। विभिन्न तकनीकों को लागू करके भी डेटा की लीक होने की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। अब नैतिकता को सुरक्षा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन सी सिफारिशें रखती हैं उसकी अगर बात करें तो निष्पक्षता सुनिश्चित करने और समावेशी को सुनिश्चित करने के लिए सटीक रूपरेखा तैयार करना चाहिए ताकि पूर्वाग्रह से बच सके। जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव डेटा सेट का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रदर्शन का विश्लेषण करना चाहिए वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में। प्रणाली के लिए संभावित खतरों की पहचान करना चाहिए। साइबर हमलों का समाधान ढूंढना चाहिए, जानना चाहिए और उनको सूचित करना चाहिए। डेटा का पूर्ण जिम्मेदारी से उपयोग करना चाहिए। जितना संभव हो सके संवेदनशील डेटा का उपयोग है सीमित करना चाहिए। कानून, मानकों, गोपनीयता सिद्धांतों आदि का पालन करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट नोटिस दें और उन्हें डेटा उपयोग पर आवश्यक नियंत्रण प्रदान करें। सर्वोत्तम तरीके का पालन करें, जैसे कि इनक्रिप्शन हो गया, सूचना और डेटा को कोड में बदलने की प्रक्रिया। मुख्य रूप से अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ तकनीकों का उपयोग करके जैसे कि डेटा स्क्रबिंग, मास्किंग, डेटा की अनामिका, एकत्रीकरण, मूल डेटा को छिपाने की प्रक्रिया, यानी कि अन्य प्रकार के जो डेटा हैं उनसे भी हम बात कर सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत जानकारी, जन्मतिथि आदि को भी हटाने पर हम विचार कर सकते हैं। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन क्या होता है, जो GDPR है उसको लागू कर सकते हैं हम, जो कि कहाँ पर लागू है, यूरोपीय संघ और यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों के लिए डेटा सुरक्षा और गोपनीयता से संबंधित क्या है, विनियमन है। इसके लिए कंपनियों को EU के ग्राहकों के गोपनीयता की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए गोपनीयता के उल्लंघन को रोकने के लिए उपयुक्त उपायों का उपयोग किया जाना चाहिए। अब गोपनीयता संरक्षण पर सभी के लिए एक आकार होता है, जैसे कि कोई दृष्टिकोण लागू होता है। वास्तविक दुनिया में हमें एक ऐसे दृष्टिकोण को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए जो मानव जाति की प्रगति के उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु गोपनीयता और उपयोगिता को सुनिश्चित कर सके। जैसे कि अगर एथिकल कंसर्न की बात करें, कॉमन एथिकल कंसर्न कौन से हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उठते हैं। पहला होता है जॉब का होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सो रूथलेस इफिशियंट दैट इट विल लीड टू मैसिव जॉबलेस, यानी इसकी वजह से बहुत सारी जॉब जा रही है ऐसा माना जाता है। फिर होता है दिस सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी मतलब वी विल क्रिएट समथिंग्स That is more intelligent than human and we will lose control.
तीसरा होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट एक्सप्लेन इट्सेल्फ। चौथा होता है इल्यूजन एंड डाइवर्सिटी, इल्यूजन एंड डाइवर्सिटी क्या होता है, द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द हैंड ऑफ द फ्यू एंड विद द ट्रेडिशनल पावर ब्रोकर। एक होता है आर्टिफिशियल स्टूबिलिटी, स्टूपिडिटी हम बोल सकते हैं, स्टूपिड को स्टूपिडिटी बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली प्रीटी स्टूपिड राइट नाउ एंड कैन लीड टू द एम्ब्रेसिंग पीआर इंसिडेंट और वर्स डू समथिंग्स डिस्क्रिमिनेटरी। एक होता है प्राइवेसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल इरोड आवर नेशंस ऑफ डेटा प्राइवेसी एंड डू थिंग्स विथ डेटा दैट वी डोंट कंसर्ट टू। तो मीडिया में अगर हम बात करें, मीडिया के अंदर, मीडिया में भी नीति शास्त्र होना चाहिए। तो मीडिया में नीति शास्त्र का क्या महत्व है वो हम देखते हैं। मीडिया में नीति शास्त्र का महत्व हम देखें तो मीडिया उन समाचार चैनल को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से हम समाचार, संगीत और फिल्म और शिक्षा, प्रसार संदेश व अन्य डेटा का प्रसार करते हैं। मूल्य विकास के दृष्टिकोण से मीडिया सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है और इसके माध्यम से हम अपने पूर्वाग्रहों से प्रभावित होते हैं। मूल्यों को प्रभावित करने में मास मीडिया अत्यधिक क्या है, ज़्यादा भूमिका निभा रहा है। अब जैसे हम बात करें, हाल ही में अगर टीआरपी घोटाले के मामले में देखें, एक टीवी चैनल ने दर्शकों को पैसे देकर के गलत तरीके से अपने टीआरपी को उड़ाया है। दूसरा, अभिनेता के आत्महत्या मामले में पत्रकारों के द्वारा अपराध की जांच करना, ये सभी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां मीडिया हाउस और पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों का पतन देखा सकता है। हमारे मूल्यों को रूप में देने के लिए मीडिया की सकारात्मक भूमिका क्या है, जो हमारे मूल्य हैं उनको रूप देने में मीडिया किस तरीके से सकारात्मक भूमिका निभाता है। दूसरा होता है नकारात्मक भूमिका है वो मीडिया किस तरीके से निभाता है। जैसे सकारात्मक भूमिका की बात करें हम, रूढ़िवादी मूल्यों का उन्मूलन होता है, दुनिया को कुछ प्रेरणादायक कहानियों पर प्रसार होता है, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों को दिखा सकते हैं, उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान हो गया, कुछ सार्वजनिक आंदोलनों का समर्थन कर सकते हैं जैसे कि आरटीआई आंदोलन हो गया। नकारात्मक भूमिका क्या हो सकती है, जैसे कि आंशिक रूप से समाचारों को सनसनीखेज तरीके से दिखाकर निष्पक्षता को प्रभावित करना, मीडिया ट्रायल, फेक न्यूज, आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल, सामाजिक रूप से अशांत खबरों को प्रसारित करने से घृणा और सामाजिक असमंजस, अशील और अश्लील और हिंसक सामग्री पेश करना, पेड न्यूज, ये सभी क्या है, नकारात्मक भूमिका है। द भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मीडिया की क्या भूमिका रहती है उसकी हम बात करें, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मीडिया की भूमिका, जैसे भ्रष्टाचार की रोकथाम, निगरानी और नियंत्रण में एक स्वतंत्र मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसा मीडिया जनता को भ्रष्टाचार पर सूचित और शिक्षित कर सकता है, सरकारी, निजी क्षेत्रों और नागरिक सामाजिक समाज संगठनों में भ्रष्टाचार को उजागर कर सकता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खुद को इससे दूर रखते हुए आचार संहिता की निगरानी में मदद कर सकता है। मीडिया के द्वारा की गई भ्रष्टाचार के मामले में रिपोर्टिंग और भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। भ्रष्टाचार के बारे में दैनिक रिपोर्टों इसे नियंत्रित करने में योगदान कर सकती है। ऐसी रिपोर्टों के आधार पर अधिकारियों के द्वारा अपराधियों को पकड़ने के लिए समय पर कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके अलावा प्रशासन जनता और मीडिया को आगे के कदमों के बारे में सूचित कर सकता है। यह देखा गया है कि कभी कभी प्रतियोगिताओं के दबाव में मीडिया सार्वजनिक रूप से दिखाने से पहले आरोपों और सूचनाओं का सत्यापन नहीं करता है। कभी कभी ऐसे आरोपों और शिकायतें कुछ कारकों से प्रेरित होती हैं। यह मानदंड स्थापित करना आवश्यक है कि सभी आरोपों और शिकायतों का विधिवत जांच की जानी चाहिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए गए हैं उससे अपने पक्ष को सामने रखने का उचित मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए दूसरे ERC रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया की तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कामकाज से संबंधित जो विभिन्न पहलू है उनकी क्या है, संहिता बनाई जानी चाहिए। अब जैसे मीडिया में कुछ सिफारिशें भी होती हैं, मीडिया के द्वारा सभी आरोपों शिकायतों की उचित स्क्रीनिंग से संबंधित मानदंड बनाना चाहिए, उन्हें सार्वजनिक रूप से दिखाने के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को आचार संहिता का पालन करने के लिए एक आचार संहिता और एक स्वनियमन तंत्र बनाना चाहिए जिसका दुर्भाग्यपूर्ण कार्यों के खिलाफ उपयोग हो सके। सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के मामले के
जो सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग भ्रष्टाचार के मामले के बारे में नियमित रूप से विवरण देकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मीडिया की मदद कर सकता है। सकारात्मक घटनाओं के संबंध में मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि नस्लवाद, लैंगिक पक्षपात, बेरोजगारी, गरीबी, विश्व शांति की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के खिलाफ लड़ाई। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी यहाँ पर कहा जाता है। अब पत्रकारिता में नीति शास्त्र का क्या महत्व है? पत्रकारिता के अंदर हम देखें नीति शास्त्र का महत्व, पत्रकारिता में नीति शास्त्र का महत्व। तो जैसे पत्रकारिता से जुड़ी नैतिकता है मूल रूप से पेशेवर पत्रकारों के लिए बनाए गए सिद्धांतों, मानकों और जारी दिशा निर्देशों, आचार संहिता का एक समूह है। यह एक पत्रकार के आचरण, चरित्र, व्यवहार और समाचार एकत्र करने के प्रसार से पहले, उसके बाद और उसके दौरान की प्रतिक्रिया को संदर्भित करती है। जैसे महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी जी कहते थे कि पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए। अखबार और प्रेस एक महान शक्ति है, लेकिन जैसे पानी का अनियंत्रित और उन्मुक्त प्रवाह गांव के गांव डुबा सकता है, फसलों को नष्ट कर सकता है, ठीक उसी प्रकार से अनियंत्रित कलम सेवा के बजाय विध्वंस कर सकता है। नेपोलियन कहते हैं कि 1000 विरोधियों के मुकाबले 4 शत्रुतापूर्ण समाचार पत्र से अधिक व्यभीत होना चाहिए। यहाँ पर येलो जर्नलिज्म के दिनों से ही कई महत्वपूर्ण या प्रमुख अखबार समाचार पत्रों में पक्षपाती, सनसनीखेज, नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तथ्यों को तोड़ मोड़ करके विकृत करके अफवाहों को समाचारों के रूप में प्रसारित किया जा रहा है और सूचना की गुणवत्ता प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाती है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले भारतीय समाचार पत्रों को दबाने के लिए ब्रिटिश राज के दौरान वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम लाया गया था। इस प्रकार की पक्षतापूर्ण मीडिया के खिलाफ नैतिकता सिद्धांत और पत्रकारिता से जुड़े दिशा निर्देशों के लिए आचार संहिता लाने के उद्देश्य से एक ठोस अभियान की शुरुआत की गई है। अमेरिका में पहली बार 1922 में और अमेरिकन सोसाइटी समाचार पत्र संपादक ने नैतिक सिद्धांतों को अपनाया है और इसके 6 प्रमुख सिद्धांत प्रस्तावित हैं, जैसे कि जिम्मेदारी, प्रेस की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, सच्चाई और सटीकता, निष्पक्षता और न्यायोचित। 1940 के दशक में एक और ऐतिहासिक विकास हुआ है, जब अमेरिका में हचिन्स आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रेस की सामाजिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को व्यक्त किया है। आयोग ने दोहराया है कि जहाँ प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोपरि है, वहीं यह भी एक नैतिक दायित्व है कि वह अपने निर्णय और विकल्प बनाते समय आम जनता की भलाई पर विचार करें। पत्रकारिता में नैतिकता का होना क्यों आवश्यक है? अगर इसकी हम बात करें, जो भी पत्रकारिता है उसमें नैतिकता क्यों होनी चाहिए? पत्रकारिता लोगों को जनकल्याण से जुड़े और नागरिक मुद्दों के बारे में सूचित करती है। पत्रकारिता को सामाजिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए, ईमानदारी से लोगों की सेवा करनी चाहिए और संवेदनशीलता, विकृत एवं तथ्यों को हेरफेर से बचते हुए उन्हें शिक्षित करना चाहिए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में स्वतंत्रता और जीवंत समाचार मीडिया को लोकतंत्र की सफलता के लिए एक प्रमुख पैरामीटर माना जाता है। ऐसे प्रभाव और शक्ति के साथ साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, इसलिए समाचार मीडिया को पत्रकारिता के सिद्धांतों और मानदंडों का पालन करने के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भी होना चाहिए। अब पत्रकारिता से जुड़े जो नैतिक सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं? अपक्षपाती होने के साथ साथ समाचारों को जिम्मेदारी के साथ पेशा करना चाहिए, ना कि सनसनीखेज तरीके से। समाचार चैनल और उनके पत्रकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ना केवल इन सिद्धांतों नियमों का पालन करें बल्कि उनके लिए खुद को स्वविनियमित भी करें। पत्रकारों के लिए आचार संहिता का होना आवश्यक है, भले ही इन्हें स्वेच्छापूर्ण तरीके से अपनाया जाना चाहिए मगर इनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। जनहित के खिलाफ सरकार के फैसले को प्रभावित करने के लिए शक्तिशाली कॉर्पोरेट लॉबी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जनसेवा हमेशा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, बेजुबान के लिए आवाज बनाना चाहिए। सिद्धांत का आधार निष्पक्षता, सच्चाई, सटीकता, स्वतंत्रता जैसे विचार होने चाहिए। लोकतंत्र में हर कोई लोगों के प्रति जवाबदेह होता है। भारतीय मीडिया की जिम्मेदारी और परिपक्वता की भावना विकसित करनी चाहिए। भारत में भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक और अर्धन्यायिक निकाय, प्रेस का प्रहरी प्रेस के लिए और प्रेस के द्वारा रूप में कार्य करता है, इसलिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी समाचार चैनलों की देखरेख करता है। जैसे कि मोगल मीडिया के पतन की अगर हम बात करें केस स्टडी में, ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली मीडिया मोगल रूपर्ट मोडारको को अपने 168 साल ज़्यादा पुरानी या अपने 168 साल पुरानी यहाँ पर टैबलॉयड न्यूज ऑफ द वर्ल्ड के प्रमोशन को ब्रिटेन में नियमित रूप से उल्लंघन करते हुए लिप्त पाया गया था।
तो ब्रिटेन में नियमित रूप से उल्लंघन में लिप्त पाए जाने की बात बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा और इसके ऊपर नैतिक मानदंड और यहाँ तक कि कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है। इसलिए समाचार मीडिया अवसर पत्रकार समुदायों में गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है ताकि नैतिक मानदंडों के उल्लंघन के करते समय बाद में समाचार मीडिया की गुणवत्ता और मानकों को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में पेशेवर निकाय जैसे कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं और बहस और चर्चा शुरू कर सकते हैं और उपचारात्मक उपायों के भी कदम उठा सकते हैं। व्यावसायिक नैतिकता और कॉरपोरेट प्रशासन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है व्यावसायिक नैतिकता, क्या होता है कॉरपोरेट प्रशासन? व्यावसायिक नैतिकता को व्यावसायिक व्यवहार में नैतिक मूल्यों का उपयोग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। नैतिक और अनैतिक व्यवसाय क्या होता है? लाभ कमाने का उद्देश्य नैतिक है लेकिन सिर्फ लाभ कमाने का उद्देश्य अनैतिक है। पूंजीवादी नैतिक है लेकिन विशुद्ध पूंजीवादी अनैतिक है। जनता की भलाई के खिलाफ जाना अनैतिक है। संगठन आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुरूप होते हैं अतः सभी वैधानिक कानूनों का पालन करते हुए अनैतिक हो सकती है। राष्ट्रीय टेलीविजन पर शराब की खपत को बढ़ावा देना प्रतिबंधित है। यदि कोई कंपनी उसी ब्रांड के नाम से किसी वैकल्पिक उत्पाद का विज्ञापन करती है तो वह अप्रत्यक्ष रूप से इच्छित उत्पाद के ब्रांड का विज्ञापन कर सकती है। हालांकि कानून रूप से कंपनी किसी भी कानून का उल्लंघन कर रही है लेकिन यह स्पष्ट रूप से अनैतिक है। और हानिकारक रासायन प्रदान किए बिना हानिकारक सौंदर्य प्रसाधन फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन रंगभेद को बढ़ावा देता है और संरक्षण के लिए खतरा पैदा होता है। हाल ही में फेयर एंड लवली ने अपने ब्रांड का नाम ग्लो एंड लवली कर दिया है क्योंकि यह रंगभेद विवाद के बाद में, चूँकि यह गोरेपन को प्रोत्साहित करता है, काली त्वचा वाले लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है। अब कॉरपोरेट के लिए नैतिक ढांचा कौन कौन सा है? कॉरपोरेट के लिए नैतिकता की संस्कृति को नियमित करने के लिए एक मजबूत नैतिक ढांचे की आवश्यकता होती है और इस तरह के ढांचे में कौन कौन से तत्व हैं? जैसे कि मध्यम और निचले स्तर की टीमों के निरंतर समर्थन, निरंतर क्या है, समर्थन से संबंधित कार्यक्रम है। और व्यावसायिक नैतिकता के दौरान उत्पन्न होने वाले कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न स्तरों पर निरंतर बातचीत होती रहती है। खुलेपन और विश्वास के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर दोतरफा संचार होता है। अब है कॉरपोरेट प्रशासन। कॉरपोरेट प्रशासन क्या होता है? निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवसाय होगा। शेयर धारकों के अधिकारों को कॉरपोरेट प्रशासन ढांचे के तहत संरक्षित किया जाना चाहिए। साथ ही सभी शेयर धारकों को साथ समान व्यवहार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी भौतिक मामलों के बारे में समय पर और सटीक यहाँ पर प्रकटीकरण हो गया है। कॉरपोरेट अधिकारियों और बोर्ड के सदस्यों को चुनने में सत्यनिष्ठा एक मौलिक मापदंड होना चाहिए। कॉरपोरेट व्हिसिल ब्लोअर का संरक्षण होना चाहिए। एक होता है व्यवसाय के लिए आचार संहिता। कोई भी व्यवसाय हो उसके लिए भी आचार संहिता की जरूरत होती है। व्यवसाय के लिए आचार संहिता, तो यहाँ पर यह व्यवहार के सामान्य सिद्धांतों को निर्दिष्ट करता है जिनका कर्मचारी व अन्य हितधारकों से अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है। यह नियम जैसे कि पालन किया जाना है आकांक्षाओं का एक मिश्रण है और संगठन का उद्देश्य इन संहिताओं के तहत विकास करना है। शीर्ष नेतृत्व एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करता है, वही वरिष्ठ प्रबंधकों को अपने नैतिक व्यवहार में नैतिकता के सिद्धांतों को पालन करना चाहिए। नैतिक दुविधाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए कि नैतिक दुविधाओं से कैसे निपटे। सत्यनिष्ठा को दो स्तरों का पालन होना चाहिए, भर्ती प्रक्रिया और प्रदर्शन मूल्यांकन के प्रत्येक स्तर पर। नैतिक सलाहकार की एक टीम का निर्माण आमतौर पर एक अच्छे प्रयास के रूप में देखा जाता है। अनैतिक व्यवहार के लिए तुरंत कार्यवाही की आवश्यकता है। उपहार और आतिथ्य हालांकि सांस्कृतिक प्रथाओं के ऐसे रूप में प्रथागत होते हैं लेकिन इस तरह के आदान प्रदान कभी कभी रिश्वत या भ्रष्टाचार के कृत्य की भी आती भी होती है। इसलिए संगठन को उपहारों की प्रकृति भी तय करनी चाहिए। कर्मचारियों और हितधारकों को किसी भी संदिग्ध या ज्ञात वस्तुओं या व्यक्तियों के खिलाफ बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जहाँ संहिता से समझौता किया गया हो या दुविधाओं का रिपोर्ट करना हो चाहिए। आमतौर पर आप एक व्यक्ति में तीन चीज़ें तलाशते हैं, बुद्धि, ऊर्जा और सत्यनिष्ठा। अगर उसके पास आखिरी सत्यनिष्ठा नहीं है तो पहले दो जो बुद्धि और ऊर्जा के लिए सोचना भी बेकार है, ये वॉरेन बफे ने कहा है। अब आता है प्रशासनिक नैतिकता। प्रशासनिक नैतिकता की जरूरत क्यों पड़ती है? प्रशासनिक नैतिकता है ऐसी मूल्य और नैतिकताएँ होती हैं जिनका नौकर शाह को अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पालन करना चाहिए। हम विभिन्न अध्यायों में प्रशासनिक नैतिकता के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सत्यनिष्ठा हो गया, ईमानदारी हो गया, आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो गया, नियम और विनियमों का सम्मान करना हो गया, कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति हो गया और सुशासन सुनिश्चित करना हो गया। अब जैसे कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक नैतिकता में हम डिफरेंस देखें। व्यक्तिगत जो नैतिकता होती है या व्यावसायिक जो नैतिकता होती है, व्यावसायिक नैतिकता के अंदर एक कर्मचारी के द्वारा वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए एक संगठन के द्वारा जारी की गई आचार संहिता होती है, जबकि व्यक्तिगत नैतिकता के अंदर यह एक आचार संहिता और व्यक्तिगत मूल्य है जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रित करता है। व्यावसायिक जो नैतिकता है यह जीवन में अपेक्षाकृत बाद में सीखा जाता है जब कोई व्यक्ति किसी कार्यबल में शामिल होता है।
जबकि व्यक्तिगत नैतिकता है इसे परिवार, समाज, शिक्षा प्रणाली और धर्म के माध्यम से सीखा सकता है। व्यावसायिक नैतिकता है किसी संगठन के कानून या नियम या रिवाज के अनुसार कार्य करता है, जबकि व्यक्तिगत नैतिकता है वो विवेक अनुसार कार्य करता है। और यहाँ पर कर्तव्यनिष्ठ और सख्त आचार संहिता है व्यावसायिक नैतिकता के अंदर, जबकि व्यक्तिगत नैतिकता के अंदर मूल्यों के प्रति वफादार माना जाता है। व्यावसायिक नैतिकता के अंदर सत्यनिष्ठा, समय की पाबंदी, समय प्रबंधन, जवाबदेही, पारदर्शिता, गोपनीयता, संगठन के प्रति वफादार आदि बताया गया है, जबकि व्यक्तिगत नैतिकता के अंदर दयालुता, सच्चाई, ईमानदारी, सहानुभूति, सेवा आदि चीज़ें दी गई हैं। निजी और सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता क्या होती है, किस तरीके से निजी संबंधों में नैतिकता देखते हैं और किस तरीके से सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता हम देखते हैं। तो ये हम देखेंगे बाद में, निजी एवं सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता।